सो ये है मेरा वृंदावन में दूसरा दिन और मैं अपने पापा के साथ जा रही हूँ प्रेम मंदिर। हम लोग प्रेम मंदिर पहुंच गए हैं और यहाँ पर मैं 12 साल पहले आई थी, तब इतनी ज़्यादा भीड़ नहीं होती थी, बट इस बार बहुत ज़्यादा भीड़ थी। यहाँ पर कान्हा जी के बहुत सारे स्टैचूज बने हुए हैं, जो भी उनने बाल लीलाएं करी है उससे रिलेट करते हैं ये सारे स्टैचूज। और एक और बात, अगर आप लोगों को भी मथुरा वृंदावन दर्शन करने के लिए आना है तो फिर ठंड के टाइम पर आइएगा, क्योंकि यहाँ पर बहुत खतरनाक वाली गर्मी पड़ती है। मंदिर के ऊपर कान्हा जी के अवतार लेने से उनको बाण लगने तक पूरी स्टोरी बनाई हुई है, जो कि बहुत ही ज़्यादा सुंदर लगती है शाम के टाइम पर। तो हमने प्रेम मंदिर में दर्शन कर लिए हैं और अब हम जा रहे हैं इस्कॉन मंदिर। और ये रास्ते में जाते वक्त देखो कितना सुंदर मार्केट है, यहाँ पर आपको लहंगे वहंगे सब मिल जाएंगे, तो अगर खरीदना चाहते हो तो खरीद लेना। हाँ, मैं भी देखूंगी, अगर अच्छे रेट में मिलेंगे तो ले लूंगी, नहीं तो फिर कोई बात नहीं। हमने इस्कॉन मंदिर में जाकर प्रसाद खाया, जो कि बहुत ज़्यादा टेस्टी होता है और यहाँ पर डेली मिलता है। अब हम पापा कहाँ जा रहे हैं? खाना खाने? हाँ, बोला आश्रम चलना है। अब तो मंदिर बंद होने का टाइम हो गया, अब आश्रम चालू, खाना खाने। आश्रम चालू, अब हम खाना खाएंगे। जाना है रेस्टोरेंट की तरफ, बाजू पे बैठ के नीचे बैठ के जाना है खाना। ये आप जो रास्ते का बोल रहे थे वही वाला रास्ता है ना ये? हाँ, ये शॉर्ट है। हाँ, वृंदावन की जगह। यहाँ पे अगर किसी को नहीं जाना चाहता उनके नाम से तो उसे राधे बोला जाता है। जैसे अगर किसी को कुछ बोला है तो हम बस उसे राधे बोल दो, वो सुन लेगा। किसी को भी हम राधे नाम से बोल सकते हैं, कितना अच्छा है ना। सो हम यहाँ पर एक होटल में खाना खाने आए हैं। यहाँ पर बिना प्याज लहसुन वाला खाना मिलता है और खाने के रेट्स भी रीजनेबल है। इस होटल का नाम है श्री बाके बिहारी VRC धाम। मंदिर से घर जाते वक्त हमें कुछ फॉरेनर्स दिखे जो कि भजन गा रहे थे। इसके दूसरे दिन मेरे फैमिली वाले भी आ गए थे, तो मैंने वो डिसाइड किया कि उनके साथ का व्लॉग मैं अलग बनाऊंगी। आज के लिए बस इतना ही।